190,000 लोग ऐसे हैं इस चैनल पर जिनकी एज 18 से 40 साल के बीच में है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, याद करो वो टाइम जब आपके अंदर बहुत खुशी होती थी अंदर से अपने नानी के घर जाने की। वही समर वेकेशन का टाइम, वही फुटबॉल और क्रिकेट खेलने का टाइम, और आपके अंदर एक अंदर से अजीब वाली खुशी होती थी अपने नानी के घर जाने की। अब एक नई स्टडी में ये पता चला है कि 6 साल तक के ऐसे बच्चे जो मोबाइल फोन से खेलते हैं, जब वो बच्चे बड़े होते हैं आगे चलकर उनकी याददाश्त बेहद कमजोर हो जाती है और उन्हें कई प्रकार की मानसिक विकृतियों का सामना करना पड़ता है। नाउ कट टू द सो टेक्नोलॉजिकल एरा, जहाँ पर डेस्कटॉप, लैपटॉप और स्मार्टफोन्स ने हमारे टॉयज को रिप्लेस कर दिया। एक टाइम था लोग फुटबॉल अपने पैर से खेलते थे, आज लोग अपनी फिंगर्स से फुटबॉल खेलते हैं। आज के टाइम में किड्स के अंदर एक बहुत ही बड़ा एवोल्यूशन हुआ है। 2022 के एक सर्वे में पता चला इंडिया के अर्बन सिटीज में 27% पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके 9 से 13 साल के बच्चों के पास में डेस्कटॉप और स्मार्टफोन दोनों का ही एक्सेस है। और आफ्टर COVID-19 बच्चों का डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर टाइम बहुत इंक्रीज हो चुका है। तुम्हारे फोन के बाहर भी एक दुनिया है, जरा सर उठा के देख लिया करो। अब ये जो बच्चे हैं जो दिन भर फोन, टैब और लैपटॉप में घुसे रहते हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज देखा गया है। जैसे बहुत सारे वीडियोस में आप देखोगे कि कैसे बच्चे हल्ला हंगामा करने लगे अगर उन्हें उनका फोन नहीं दिया गया, और कैसे बच्चे बेचैन होने लगे अगर उन्हें उनका फेवरेट कार्टून नहीं देखने को मिला। मतलब बच्चों के अंदर एक बहुत ही हाई लेवल एडिक्शन पाया जा रहा है इन सारे डिवाइसेस को लेकर के। एंड ऑल्सो ऑन दी अदर हैंड, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने उम्र से पहले ही बड़े हो चुके हैं। कोई है तो वो नेता बना जा रहा है। यार नया जो गरीबों के साथ हो रहा है, आप लड़ेंगे कि नहीं? बस लड़ेंगे, आप लड़ेंगे। कोई है तो वो अपनी बॉडी को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप देखो तो आप इन सब लोगों को अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर देखते रहते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो बच्चे हैं और इनके अंदर जितने भी चेंजेस हैं, इसमें इनके पेरेंट्स और इनके बड़े भाई बहन का बहुत बड़ा हाथ है। तो आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे, व्हाट इज फॉल ऑफ चाइल्डहुड एंड व्हाई दिस जनरेशन किड्स आर हैविंग सम सीरियस इश्यूज, एंड एज अ पेरेंट या फिर बड़े भाई बहन के तौर पे आपको कैसे तैयार करना है आज के बच्चों को। मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं छोटा था तो मैं अपने अब्बू से बहुत ज़्यादा ज़िद करता था पटाखे वाली बंदूक दिलाने के लिए। और जब एवरी ईयर दिवाली में वो बंदूक कुछ ना कुछ न्यू एडिशन के साथ में आती थी तो मैं खरीदता था। और होता क्या था कि उसको मैं एक वीक से ज़्यादा नहीं यूज़ करता था और मेरा दिल भर जाता था। यही होता है बच्चों का माइंड। बच्चों का जो माइंड होता है वो नॉवेल्टी के ऊपर काम करता है। उन्हें कुछ टाइम के बाद कुछ नया देखना या नया करना ही पसंद आता है। वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं एग्जिस्टिंग चीज़ से एक टाइम में, तो उनको उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जिद पैदा हो जाती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो उसमें इंटरेस्ट खो देते हैं। अब आज के टाइम में क्या है, नॉवेल्टी एंडलेस है, यानी इट इज़ वेरी इजी टू हुक एनी किड इन डिजिटल डिवाइसेस। अब अगर आप अपने दादा दादी के टाइम की बात कर लो तो जब वो छोटे रहे होंगे तो उन्होंने अपनी जिंदगी में जितने लड़के लड़कियों को लाइफ में नहीं देखा होगा उससे कहीं ज्यादा आज के बच्चे सिर्फ 10 मिनट की स्क्रॉल में देख सकते हैं। अब बच्चों को फोन पे ही सारी चीजों का एक्सेस है, उन्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक स्टडी में पता चला कि 11% किड्स पूरे दुनिया में ऐसे हैं जो 10 से 12 साल की उम्र के बीच में है और सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बना लेते हैं। देन इट इज वेरी इजी टू बी ऑन सोशल मीडिया, और उन्हें उतना सब कुछ पता हो जाता है जो उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है। अरे मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि फेसबुक पर अकाउंट बनाना पड़ता है, एंड इट वॉज वेरी ह्यूज टास्क। बट आज के टाइम में इट इज वेरी इजी। स्टैट्स की देखें तो 90% किड्स ऐसे हैं जो 13 से 17 साल के बीच में हैं और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्टिव हैं। अगर बात करें पहले के टाइम में फैमिली टाइम को, तो आज के टाइम में वो स्क्रीन टाइम से रिप्लेस हो चुका है। छोटे बच्चों का अगर स्क्रीन टाइम देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा हाई है, यहां तक कि उनको पढ़ाई भी आईपैड पे ही करना है। इसीलिए इस जनरेशन को आईपैड जनरेशन या फिर आईपैड किड्स भी बोलते हैं। और अब जब बच्चे डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर टू मच अपना टाइम दे रहे हैं तब शुरू हो जाता है ओवर कंजम्पशन। और पेरेंट्स को भी पता है कि बच्चे ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम की सैड रियलिटी क्या है कि पेरेंट्स भी बच्चों के हाथ में फोन पकड़ा करके फ्री हो जाते हैं। बच्चे कंज्यूम करने लगते हैं माइंडलेसली, बिकॉज यहां पर बच्चों को मिलती है नॉवेल्टी, कभी ना खत्म होने वाली सोशल मीडिया फीड। अगर वो स्क्रोल डाउन भी करते रहे पूरा दिन तो कभी उनका यूट्यूब शॉर्ट और इंस्टाग्राम रील
खत्म नहीं होने वाला है और उनको कुछ ना कुछ नया मिलता ही रहेगा देखने को। और मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मैं ये चीज पेरेंट्स के अंदर ऑब्जर्व करता हूँ कि पेरेंट्स बहुत ही फ्री फील करते हैं बच्चों के हाथ में फोन पकड़ा करके, क्योंकि उस वक्त वो भी फ्री हो जाते हैं। और आज के टाइम में पेरेंट्स भी इसी ओवर कंजम्पशन में हुक्ड है। पेरेंट्स अपने टाइम का कॉन्टेंट देख रहे हैं लेकिन वो भी टू मच कंजम्पशन कर रहे हैं, वो तो मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। चूंकि बच्चे अब यहाँ पर माइंडलेसली स्क्रोल कर रहे होते हैं और पेरेंट्स बिल्कुल फ्री फील करते हैं। अब चूंकि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, ये बच्चों को दिमाग में देता है डोपामीन और यही डोपामीन उनको एक स्लेवरी का माइंडसेट डेवलप करवाने लगता है, जैसे कि वो उठ करके कुछ भी करना नहीं पसंद करेंगे, सब कुछ उन्हें अपने फिंगर टिप पर चाहिए होता है। अगर वो बैठे बैठे खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो खटाक से खाना उनके दरवाजे पर आ जाए, अगर वो नीचे गाड़ी मंगाना चाहते हैं तो तुरंत बुक करेंगे और घर से नीचे उतरेंगे और गाड़ी खड़ी रहेगी, तो उनको कोई भी टास्क करना ही नहीं पड़ा। और ये चीज इजी तो है उनके लिए, बट ये चीज कहीं ना कहीं बच्चों को अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर बनाने लगती है और बच्चे बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर। कुछ स्टडीज में पता चला कि बच्चे बहुत ही वियर्ड पीयर प्रेशर डेवलप कर लेते हैं अगर उनके हाथ में स्मार्टफोन ना हो, तो वो खुद को जेन ज़ी का पार्ट नहीं समझते। स्टडीज में पता चल गया कि बच्चों के अंदर ADHD बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसके वजह से बच्चों का फोकस बहुत ही कम हो चुका है। अगर बच्चे फोन पर कोई भी कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो वहां पर टोबैको और स्मोकिंग को बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया गया है। अगर आप वेब सीरीज या फिर आजकल के किसी भी सोशल मीडिया कंटेंट को देखोगे तो वहां पर कोई भी आकर के फूंक मारने लगता है और बच्चे वो चीज देख रहे हैं। दुनिया भर में 88% वर्ल्ड वाइड स्मोकर्स 18 साल से कम उम्र की एज में ही स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। अगर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट को देखें तो 82,000 से लेकर के 99,000 किड्स एवरी सिंगल डे अराउंड द वर्ल्ड स्मोकिंग शुरू करते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि बच्चों के फिंगर टिप पे सब कुछ अवेलेबल है, तो उनके हाथ में है जोमैटो और स्विगी और वो भर भर के ऑर्डर कर रहे होते हैं फास्ट फूड, और उसके वजह से उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इंडिया में बच्चों में ओबेसिटी इश्यूज बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की रिपोर्ट को अगर देखें तो इंडिया में 2030 तक 27 मिलियन बच्चे ओबेसिटी इश्यूज से गुजर रहे होंगे। एक स्टडी में तो यह भी पता चला है कि इंडिया में 2023 तक 10.81% बच्चे ऐसे होंगे 5 से 9 साल के जिनके अंदर ओबेसिटी इश्यूज हो। वही सिंपल सी बात है, दिन भर स्क्रीन पर बैठे रहना, अपने मन का खाना ऑर्डर करते रहना और खाते रहना, ये सब अर्बन सिटीज में तो बहुत आम है। खेलना कूदना वर्ड में से आज के टाइम में कूदना वर्ड बिल्कुल ही रिमूव हो चुका है। बच्चों को जो कुछ भी खेलना है अपने फोन पर खेल लेंगे, पेरेंट्स भी बिल्कुल फ्री है और फिजिकल एक्टिविटी पूरी तरीके से एलिमिनेटेड है बच्चों की लाइफ में से, और पेरेंट्स बहुत ही चिल फील कर लेते हैं उनके हाथ में फोन पकड़ा करके, क्योंकि पेरेंट्स अपने काम में लग जाते हैं। तो बेसिकली इस सब में पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती है और पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जिम्मेदार बनना पड़ेगा और अपने फैमिली के लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। अब जब भी कोई पेरेंट अपने फैमिली के बारे में सोचता है तो सबसे पहले उसके ध्यान में आता है अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर करना, एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज विद टर्म इंश्योरेंस। अब कितनी बार ऐसा होता है कि ये टर्म इंश्योरेंस सुनते ही आपको कुछ समझ में नहीं आता है और आपको भी लगता है आखिर ये होता क्या है, कितने टाइम के लिए ले, कौन से एडऑन्स रहेंगे, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो इसी के लिए आज की इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है क्लैरिफाई लाइफ ने, विच इज एन इनिशिएटिव बाय HDFC लाइफ। क्लैरिफाई लाइफ का टर्म गाइड एक फ्री टूल है जो आपके लिए बेस्ट टर्म इंश्योरेंस डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करता है। बस 10 मिनट में आप डिसाइड कर सकते हो आपके लिए क्या बेस्ट है। यहाँ पर आपको सही लाइफ कवर एंड ड्यूरेशन के रिकमेंडेशन के साथ साथ प्रीमियम पेमेंट मेथड एंड एड ऑन बेनिफिट्स चुनने में भी हेल्प होगी, जिससे कि आपके एब्सेंस में आपके बच्चों का फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर हो सके। सो बेसिकली HDFC लाइफ बैक्ड क्लैरिफाई लाइफ के टर्म गाइड टूल से आप अपने टर्म इंश्योरेंस नीड्स को समझ सकते हो, एंड द बेस्ट पार्ट इज इट इज कंप्लीटली फ्री बिकॉज दे वांट टू स्प्रेड फाइनेंशियल अवेयरनेस। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो खत्म होने के बाद में चेक कर लेना। इनसे मिलिए, ये एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं और इनकी एज 13 साल है, बट अगर आप इनके इंस्टाग्राम अकाउंट को देखोगे तो आपको लग ही नहीं सकता है कि ये 13 साल की बच्ची है। इनके अकाउंट पर आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलने वाला है जो आपको प्रूफ कर देगा कि ये 13 साल की बच्ची है। और रिसेंटली अराउंड 1 साल पहले जब ये 12 साल की थी तो इसका सॉन्ग आता है करण कुंद्रा और मीका सिंह के साथ में। मीका सिंह के साथ आई थिंक अलग सॉन्ग था और करण कुंद्रा के साथ अलग सॉन्ग था। अब करण कुंद्रा एक बॉलीवुड एक्टर है जिसकी एज 39 ईयर्स है एंड मीका सिंह की एज सबको पता है 46 ईयर्स। एंड द वेरी सैड पार्ट इज कि
इस इन्फ्लुएंसर को इसके खुद के घर वाले या फिर ये खुद, वो लोग सारे लोग फोर्स करते हैं हाइपर सेक्सुअलाइजेशन की तरफ। अगर आप इनके कोई भी फोटोज उठा करके देखो, इवन कोरा के ऊपर तो इनकी एक पोस्ट बहुत ही वायरल हुई थी, एक किसी लड़के ने वायरल किया था वो पोस्ट, बहुत पुरानी है कोरा के ऊपर, जिसमें उसने बाकायदा इनके कुछ फोटोज को टैग करके ये बात लिखी थी कि कैसे ये इन्फ्लुएंसर खुद में अपने आप को ही हाइपर सेक्सुअलाइज करती है। और जब आप सॉन्ग को जाकर के देखोगे, ये जो करण कुंद्रा के साथ में जो सॉन्ग आया था, अगर यहाँ पर इसका बी रोल चल रहा होगा तो आप देख सकते हो कि ये लड़की बाकायदा एक एक्ट्रेस का रोल कर रही है करण कुंद्रा के साथ में, जो कि करण की एज 39 इयर्स है और ये 12 साल की बच्ची, 39 इयर्स के सामने ये एक एक्ट्रेस का रोल कर रही है जहाँ पर ये बाकायदा ड्रिंक्स भी कर रही है करण के साथ में। एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल, सॉन्ग के अंदर ये नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि हाँ भाई बच्चे भी पी सकते हैं, नो इश्यूज इन दैट, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, उसके क्या हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये सब नहीं डिस्कस होगा। उसके बाद में मीका सिंह को देखो, वो मतलब किस टाइप से इसको होल्ड कर रहा है, किस टाइप से सॉन्ग बना रहा है, मतलब ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल किया जा रहा है। अगर आप देखोगे तो इसके खिलाफ शायद ही कोई बोल रहा है, इनके खुद के घर वाले भी इनको ढकेल रहे हैं कि जाओ जाओ ये वाला सॉन्ग तुम बनाओ, और उसमें ये इंसान खुद को ही हाइपर सेक्सुअलाइज कर रहा है। अगर आप लिरिक्स पे भी ध्यान दो सॉन्ग के, तो वो लिरिक्स ही बहुत गंदे लिरिक्स हैं, जो कि अपने आप में ही एक लड़की को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। अगर आप इनके इंस्टाग्राम को ध्यान से देखो तो आपको देखने को मिलेगा सेक्सुअली सजेस्टिव कंटेंट ही है, और यही सारे कंटेंट से आज के जो बच्चे हैं वो बाकायदा इंस्पायर होते हैं, और बच्चों को ऐसा लगता है अगर वो ऐसा सिमिलर नहीं करेंगे तो उनके फॉलोअर्स नहीं बढ़ने वाले, उनको भी फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे, और बहुत सारी लड़कियां वही चीज़ को रेप्लीकेट करना चाहती हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर। आज के टाइम में अगर आप किसी जेंजी किड को बोलो कि भैया बच्चा बन जाओ सोशल मीडिया के ऊपर या बच्ची बन जाओ सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो बुरा मान जाएंगे भाई, वो तुमसे नफरत करने लगेंगे तुरंत। नहीं भाई, उनको एक्सप्लॉइटेड कंटेंट ही डालना पसंद है सोशल मीडिया के ऊपर, वो कुछ ऐसी पोस्ट करेंगे जो कि कहीं ना कहीं ओवर एक्सप्लिसिट होगी और वो उसी को डाल करके खुद को कूल समझते हैं। अब जो बात मैं आपसे करने वाला हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये जो किड इन्फ्लुएंसर्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो फेम के पीछे भाग रहे होते हैं अपने आप को ओवर सेक्सुअलाइज करके, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उनमें मेनली कौन होते हैं पता है आपको? वो होते हैं सेक्सुअल प्रेडेटर्स। अब बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि सेक्सुअल प्रेडेटर्स कौन लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो सेक्स क्राइम को अंजाम देते हैं, जो कि सेक्सुअल असॉल्ट भी करते हैं, बहुत सारी चीज करते हैं, ये वही लोग होते हैं और ये सोशल मीडिया के ऊपर भरे पड़े हैं। अब इन बच्चों को क्या लगता है, भाई इनको तो फेम चाहिए और इनके पेरेंट्स भी इनको ढकेल रहे हैं, भाई पैसा भी आ रहा है, ब्रांड डील भी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, तो भैया करो करो, क्या दिक्कत है, फोटो डालने में क्या दिक्कत है। बट सेक्सुअल प्रेडेटर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये कोई वो वाली बात नहीं है, ठीक है, कि बस हवा हवा में है। मैं रियल एग्जांपल देने जा रहा हूँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। यूट्यूब पे एक डॉक्यूमेंट्री है सोशल मीडिया डेंजर्स बाय द बाक, और उसमें 37 साल की एक वुमेन ने बाकायदा दिखाया है एक 11 साल की बच्ची बन करके, उसको बहुत ज़्यादा मेकअप किया जाता है, और ये एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी रियल लाइफ एग्जाम्पल देने के लिए कि कैसे सोशल मीडिया के ऊपर छोटे बच्चों को सेक्सुअल प्रेडेटर्स आते हैं, डीएम करते हैं और उनको एक एंड लेवल तक लेकर के जाते हैं, और वहाँ पर सेक्सुअल असॉल्ट भी हो सकता है उनके साथ में। तो ये जो 37 ईयर ओल्ड की एक मॉडल होती है, उसको बाकायदा ये कंपनी हायर करती है और उसको ऐसा मेकअप करवाया जाता है, पूरे लोगों की टीम लगती है और वो एक अपना नया सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट करती है। ये बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री, आप जाकर के देख सकते हो। नया सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट करने के बाद में वो वहाँ पर अपनी नॉर्मल फोटोज डालना शुरू करती है, वो तो कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर वाला फोटोशूट भी नहीं कराती, वो तो नॉर्मल फोटोज डालना शुरू करती है, नॉर्मल स्टोरीज लगाना शुरू करती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतना शुरू होता है लोग उसको मैसेजेस करना शुरू करते हैं, इंस्टाग्राम सजेस्टिव कंटेंट में वो पोस्ट डालना शुरू करता है उसके अकाउंट की, और धीरे धीरे लोग उसको डीएम करना शुरू करते हैं, हे यू आर सो ब्यूटीफुल, हे क्यूटी, डीएम मी, हे लेट्स मीट, ऐसे लोग मैसेजेस करते हैं, और ये जो भी मैसेजेस लोगों के होते हैं ये सब सेक्सुअल प्रेडेटर्स ही होते हैं। अगर आप आज के टाइम में ये 13 साल की बच्ची, इसके भी इंस्टाग्राम उठा करके देख लो आप, तो इसकी जो भी फोटोज है वहां पर आपको कोई बहुत अथेंटिक कमेंट नहीं मिलेगा किसी भी जेन्युइन इंसान का, वहां पर मोस्टली जो कमेंट्स होने वाले हैं वो सेक्सुअल प्रेडेटर्स के ही होते हैं, और डीएम का तो एक्सेस ही नहीं है आपके पास, आपको क्या पता उसको कैसे डीएम आते हैं। तो ऐसे जो किड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो टिकटॉक, इंस्टाग्राम और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होते हैं और वो खुद को इतना ज्यादा ओवरसेक्सुअलाइज कर रहे होते हैं, तो इनके पीछे बहुत सारे सेक्सुअल प्रेडेटर्स लग जाते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट्री को ध्यान से देखोगे तो उसमें पता चलता है कि बाकायदा लोग डीएम करते हैं ये वो, और छोटे बच्चों का दिमाग बहुत ही इनोसेंट होता है, वो फंस भी सकते हैं। चलो भाई आप बहुत समझदार हो अपने आप में, लेकिन छोटे बच्चे उतने समझदार नहीं होते, कोई लालच दे दिया चलो ठीक है लेट्स मीट समवेयर ये वो, और वो बंदी उसको जली भी जाती है, डीएम का रिप्लाई भी करती है
और उस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा दिखाया गया कि जैसे वो वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पर एक बंदा आता है और ले करके उसको जाने चलता है वहाँ, तो फिर पुलिस आ जाती है क्योंकि वो पूरा डॉक्यूमेंट्री था उस टाइप से। बट ये तो एक डॉक्यूमेंट्री था, ये तो पूरा प्लान था, बट कितनी जगह ऐसा होता होगा जो लड़कियाँ फंस जाती होंगी आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। सेक्स ट्रैफिकिंग इतने बड़े लेवल पे जो पूरी दुनिया में होती है वो कैसे होती है? वो ऐसे ही होती है, उसमें ऐसे छोटे छोटे किड इन्फ्लुएंसर्स को ही पकड़ लिया जाता है। आपको ये सब चीज़ें पता नहीं है बट ये कितने बड़े लेवल पे होती है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। दुनिया भर में जिस लेवल का एडल्ट कंटेंट कंजम्पशन है उसको फुलफिल करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या होता है? सेक्स ट्रैफिकिंग। करेंटली द एज अप्रोप्रिएशन फैशन हैज़ डिक्लाइंड। आज के टाइम में बच्चे वो फैशन को फॉलो कर रहे हैं जिससे उनको सोशल मीडिया के ऊपर वैलिडेशन मिले। वो कुछ भी ऐसा पहनेंगे जिससे उनको वैलिडेशन मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि उनकी खुद की सेल्फ स्टीम इतनी लो हो चुकी है, वो खुद को खूबसूरत समझती नहीं है, इसलिए उनको चाहिए कि सोशल मीडिया पे आकर के लोग उनको बोले कि यू आर सो ब्यूटीफुल। द सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन थ्योरी प्रपोज्ड बाय बारबरा फ्रेडरिकसन एंड टॉमी एंड रिबर्ट्स बताती है कि कैसे सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन वुमेन को डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ लीड कर सकता है और सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे टाइप के इन्फ्लुएंसर के वजह से जो और ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और वो जब वही सारा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बिकॉज ये एक एंडलेस गेम है और जब बच्चे इसमें फंसे हैं तो फिर फंस चुके हैं पूरी तरीके से, तो कहीं ना कहीं बच्चों को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है सेक्सुअली और इससे उनकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर एक बहुत गहरा असर पड़ता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिफिकेशन में वो खुद को उसी नज़र से देखने लगते हैं और उन्हें ऐसा लगता है अगर उन्हें कोई वो सारे कमेंट नहीं कर रहा है तो शायद उन्हें ऐसा लगता है मैं शायद खूबसूरत नहीं हूँ, शायद तब लोग मेरे लिए उस टाइप का कमेंट नहीं कर रहे। आज के टाइम में परफेक्ट वर्ल्ड को अटेन करने के लिए गर्ल्स आर क्रॉसिंग देयर लिमिट्स ऑन सोशल मीडिया, कुछ भी करने के लिए रेडी हैं, और सिर्फ गर्ल्स नहीं लड़के भी वो अपने टाइप से कर रहे हैं। कुछ कुछ लड़के लाइक कुछ भी हरकत कर रहे हैं लाइक सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे अटेंशन लेने के लिए। अगर आप इन इन्फ्लुएंसर्स का ड्रेसिंग सेंस देखो तो वो मेल अप्रूवल के लिए ही डिजाइन हुआ है, वो कहीं ना कहीं मेल ऑडियंस को ही अट्रैक्ट करता है। इनके कमेंट बॉक्स में क्यों किसी लड़की का कमेंट नहीं रहता है, मैं तो ये चीज क्वेश्चन कर रहा हूं ना मैं आप लोगों से कि अगर आप ध्यान दो तो इनके कमेंट्स में क्यों लड़कियों के इतने कमेंट्स नहीं होते हैं जिससे कहीं ज्यादा लड़कों के कमेंट भरे होते हैं। देखो डिनाई करने वाली बात नहीं है, इनको अटेंशन मिलता है, बट किसका मिलता है? कोई अच्छे लोगों का अटेंशन नहीं मिलता है, इनको अटेंशन मिलता है सेक्सुअल प्रेडेटर्स का, वही लोग जो इनके वीडियोस और फोटोज पर डिस्गस्टिंग कमेंट्स करते हैं और इनके कॉन्फिडेंस को रूइन करते हैं, बट फिर भी ये लगे पड़े हैं उसी भीड़ में। नॉट टू मेंशन देयर इज सो मच कंटेंट अवेलेबल ऑनलाइन व्हिच इज टू मच अब्यूसिव इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। अगर आप OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखो तो कोई एक सिंगल सीरीज नहीं है जो बिना अब्यूजिव लैंग्वेज के बनती हो। अगर आप इनकी लैंग्वेज भी देखो तो वो वही लैंग्वेज होती है जो वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर रही होती है, भर भर के वल्गर लैंग्वेज, मीम्स पेजेस पे डबल मीनिंग, और वो सब कंटेंट कौन देख रहा है? 13 से 17 साल के बच्चे। सीरीज लाइक पाताल लोक, मिर्जापुर शोज इमेंस वायलेंस और इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज, बट फिर भी आप तो कहोगे नहीं भाई वो तो 18+ रेटेड है, उसको बच्चे कहाँ देखते हैं? भैया देखते हैं बच्चे, सोशल मीडिया पर कॉन्टेंट रेगुलेटेड नहीं है, मीम पेजेस तो बढ़ा रहे हैं ना वो कंटेंट, और बच्चे देख रहे हैं वो कंटेंट, बच्चे इन्फ्लुएंस हैं, बच्चों के जबान पे वो चीज दिखती है। सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप देखो तो वहां पर गैंगस्टर एडिट बनते हैं और छोटे छोटे बच्चे उस पर कॉमेंट करते हैं। गैंगस्टर एडिट में बच्चों को पसंद है ये गैंगस्टर वाइब, अगर आप देखो तो ये सीरीज में भी यही चीज दिखाया जाता है, गैंगस्टर वाली वाइब, और बच्चे उससे इंस्पायर हो रहे हैं। जैसे 15 साल का बच्चा ऑनलाइन किसी सीरीज से इंस्पायर होकर के अपने ही सेम एज ग्रुप के बच्चे को चाकू घोप करके मार देता है। दिल्ली के एक बच्चे ने इनोसेंट लोगों को मार दिया सिर्फ और सिर्फ पुष्पा और भोकाल से इंस्पायर होकर। यूपी के आगरा से एक खबर मिली कि एक बच्चे ने अपने टीचर के पैर में गोली मार दी सिर्फ और सिर्फ खुद को गैंगस्टर दिखाने के। तेरी टांग है छल्ली करूंगा, 40 गोली मारनी है, 39 और रह गई है भाई। आज के टाइम में हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा सोसाइटी से कि बच्चे किधर हेड कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, क्या उनका बचपना मर चुका है, क्या वो भूल गए कि एक्चुअल में बचपन किसे बोलते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि बच्चे वॉयलेंस करके इंजॉय कैसे कर सकते हैं और उनको वॉयलेंस में मजा कैसे आ रहा है। सीढ़ी लगती होगी या खुद ही चढ़ जाते हैं? ये जो वेब सीरीज और मीम कंटेंट बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं इसमें अब्यूजिव लैंग्वेज और डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर को नॉर्मलाइज किया जा रहा है और बच्चे समझ रहे हैं कि हाँ यार अपने अपोजिट जेंडर या फिर अपने घर वालों के प्रति भी अगर अब्यूजिव हो रहे हो थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा बहुत डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो तो क्या ही हो जाएगा,
बच्चे अपने पेरेंट्स का डिसरिस्पेक्ट करते हैं। मैं अपने सामने देखा हूँ बहुत सारे लोग। अब यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। अभी रिसेंट में तो कुछ न्यूज पता चला था कि यूट्यूब का जो यूट्यूब किड्स है जो सिर्फ बच्चों के लिए होता है उस पे जो कार्टून आ रहा है वो भी हाइपर सेक्सुअलाइज बनाया जा रहा है। कार्टून के अंदर कुछ कैरेक्टर्स ऐसा दिखा रहे हैं कि उसमें एक लेडी कैरेक्टर है वो जानबूझ करके कुछ उसमें दिखाने की कोशिश कर रही है और उसमें वो चौंक रहा है या फिर कुछ भी। छोटे बच्चे वो कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वहां पे भी वही सब चीज दिखाने की कोशिश हो रही है बच्चों को। अब वो YouTube किड्स है, वहां क्या कंटेंट रेगुलेट होगा भाई। और उसके साथ साथ में ये मैं कुछ बच्चों के वीडियोस लगा रहा हूँ। कंदा कर दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। अगर आप इन वीडियोस को देखो तो बच्चे कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और बच्चे ये सब रिकॉर्ड में आ रहा है। आज के टाइम में तो रिकॉर्ड हो जा रहा है। इसका मतलब है कि बच्चे जो भी कंज्यूम कर रहे हैं उनके लिए कोई रेगुलेशन नहीं है। बच्चे क्या कंज्यूम कर रहे कुछ पता ही नहीं है। देखो ये वीडियोस। चौटाला साहब जिंदाबाद, उड़ा तेरी आज नहीं तो देखो। बच्चे एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ा है। हंसी मजाक में यूज कर रहे हैं वो और उनके पेरेंट्स इस चीज को रेगुलेट ही नहीं कर पा रहे। माँ बहन की गालियां बक रहे हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उनको नहीं पता है कि उससे उनके इनोसेंस पे क्या असर पड़ने वाला है और उनके पेरेंट्स इस चीज को समझ भी नहीं पा रहे। बच्चा उनका क्या देख रहा है उन्हें भी नहीं पता है। एंड देर आर प्लेंटी मोर अवेलेबल ऑन इंटरनेट। आपको शायद शॉक लग रहा होगा ये देख करके, बट दिस इज नॉट फनी एट ऑल। We all know how devastating COVID pandemic was. उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान तो खो ही दी, बट उसके साथ साथ में बहुत सारे बच्चों ने अपना बचपना भी उसी में खो दिया। क्या हुआ? सब लोगों को घर में लॉक कर दिया गया और वहीं से सबसे ज्यादा स्क्रीन पर रहने की आदत लग गई। अब जो बच्चे आउटडोर एक्टिविटी करते थे वो तो एकदम ही बंद हो गई और वही आउटडोर एक्टिविटी रिप्लेस हो गई इनडोर गेमिंग के साथ में। अब ऐसा नहीं है गेमिंग उससे पहले नहीं एग्जिस्ट करती थी, गेमिंग हमेशा से एग्जिस्ट करती है। एंड गेमिंग एक बहुत ही अलग सब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो तो मुझे बता दो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। बट किड्स आज के टाइम में गेमिंग को लेकर के बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव बन चुके हैं। आज गेमिंग यूट्यूब चैनल्स के ऊपर अगर इतने करोड़ में व्यूज आते हैं, स्ट्रीमिंग्स के ऊपर इतने करोड़ में व्यूज आते हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चे कितना ज्यादा एडिक्टिव है उस चीज को लेकर के। स्टडीज में पता चला है कि आज के टाइम में बच्चों के अंदर डिप्रेशन एंजाइटी बहुत तेजी से राइज कर रही है और इससे वो एस्केपिज्म चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं। और एस्केपिज्म का बेस्ट वे है उनके लिए गेमिंग, बिकॉज गेमिंग उनको एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है, एक इंस्टेंट सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है। अगर उसमें वो चीज़ों को अनलॉक करते हैं, अगर उसमें वो चीज़ों को बाय करते हैं तो उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलने लगता है और इससे वो अपनी रियलिटी को स्किप करने लगते हैं वर्चुअल रियलिटी में घुस करके। अगर आप देखो तो पबजी मोबाइल के डाउनलोड और रेवेन्यू लॉकडाउन में सबसे ज्यादा बढ़े। 2022 में इनका रेवेन्यू $1.1 billion था, पूरे दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट ग्रॉसिंग गेम था पबजी मोबाइल। बहुत सारे बच्चे इतना ज्यादा पबजी को लेकर के एडिक्टेड हो चुके थे कि उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा लो हो चुकी थी इसी गेम को खेलते खेलते। बहुत सारी स्टडीज में पता चला है जो भी गेम्स में ज्यादा मार धाड़ और ये सब दिखाते हैं बच्चों के लिए ये एक नाइटमेयर बन सकता है, क्योंकि बच्चों का माइंड उस लेवल पे डेवलप नहीं हुआ होता है कि वो सारी चीजों को उस टाइप से कंज्यूम कर सके। My son is addicted and obsessed with violent video games. Video games are my son's number one priority. What if my nephew is playing the video games? He's very rude and disrespectful to the people that he's playing online with. Thank you. You didn't say anything. अगर आप ऐसे गेम्स देखो तो इसमें तो कुछ लोग कनेक्ट होकर के बोल भी रहे होते हैं, अरे भाई उसको मार, कोई चिल्ला रहा है, कोई एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है अभी मैंने पॉइंट में बताया, या कोई कुछ भी बोल रहा है, वो सारी चीजें बच्चों के दिमाग में भर रही होती हैं और यही उनके लिए एक नाइटमेयर भी बन सकता है। अगर आप देखो एक बार एक गेम आया था वेल जिसके वजह से बच्चे अपनी ही लाइफ को एंड कर रहे थे। मैंने डाउनलोड करके देखा, फिर मैं गेम खेलती रही, फिर ना मेरा माइंड ऐसा हो गया कि मैं रात काट लिया। मैंने पूरी रात बैठ कर खेला था, लास्ट में ना काफी सारे चैट करने के बाद उसने मुझे 4 ऑप्शन दिए थे मरने के लिए। तो इतना ज्यादा एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है एक गेम का बच्चे के माइंड के ऊपर,
मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं समझाऊंगा कि गेमिंग क्या है, कैसे क्या है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता दो, मैं बना दूंगा इसके ऊपर वीडियो। लेकिन अभी के लिए मैं ये बता रहा हूं कि अगर आप इंसिडेंट्स जाकर के पढ़ो ऑनलाइन तो आपको पता चलेगा पबजी की ही वजह से कितने सारे लोगों ने किसी को मार दिया एक्चुअल में उनके अंदर कितना सारा वायलेंस डेवलप होने लगा। कोई बच्चा था उसने अपनी माँ को ही मार दिया सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मम्मी ने मना किया मत खेलो। बच्चा इतना गुस्सा आ गया क्योंकि बच्चों का माइंड उस लेवल पे डेवलप नहीं हुआ होता है और ऐसे गेम्स में इतना एक्सट्रीम वायलेंस होता है कि वो एक्चुअल लाइफ में भी वैसे ही वायलेंट बनने लग जाते हैं। एक्सेसिंग पोर्नोग्राफी ऑन इंटरनेट इज वेरी इजी। आज के टाइम में कोई भी बच्चा अपने फोन में कुछ भी एक्सेस करके देख सकता है, बहुत इजी है। बच्चे इनकॉग्निटो मोड पे कुछ भी खोल लेते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। बट क्या नहीं पता है लोगों को कि पोर्नोग्राफी कैन हाइंडर द डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ ए चिल्ड्रन। अभी एक बात बताऊंगा तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाओगे, बट टीनेजर्स सबसे ज्यादा व्यूअर हैं पोर्नोग्राफी की। आज के टाइम में आप देखो बहुत सारे बच्चे आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं, उनकी सोशल स्किल्स बहुत ज्यादा लो होती है, वो किसी से आंख मिला करके बात भी नहीं कर पाते हैं। ये वही बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं अकेले में पोर्नोग्राफी की तरफ मूव कर रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा धीरे धीरे एडिक्ट बनते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। इंडिया में लोग सेक्स के ऊपर बात करना बहुत ही एक टैबू टॉपिक समझते हैं और अगर जो इंसान उसके ऊपर बात करता है तो लोग उसको गलत नजर से देखने लगते हैं। अगर मैं भी इतना खुल करके बोल रहा हूं तो शायद लोग मुझे भी गलत समझे, बट आई डोंट केयर फॉर दैट। बट यहां पर क्या होता है कि यहाँ पर सेक्स एजुकेशन लोग किसी को देते ही नहीं है, अपने बच्चे को ही पेरेंट्स नहीं समझाते हैं कि वो क्या होता है और बच्चे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो चीज़ को कहीं ना कहीं सर्च करने के लिए चले जाते हैं और जब वो सर्च करते हैं तो वो एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं जो कि पूरी की तरीके से एक फैब्रिकेटेड वर्ल्ड है जहाँ पर सब कुछ एक वर्चुअल दुनिया के लिए बनाया जाता है, देखने के लिए बनाया जाता है। सो बेसिकली वो पूरी तरीके से एक फेक वर्ल्ड होता है और बच्चे जब वो सारी चीज़ें देखते हैं तो बच्चे रियलिटी से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। रिसर्च में पता चला है कि 54% ऑफ चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू एडल्ट कंटेंट बाय द एज ऑफ 13। 13 साल की उम्र में ही उनकी आंखों के सामने वो सारे कंटेंट आना शुरू हो जाता है और वो सारी चीज़ों से वो एक्चुअल जो उनका डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही खत्म हो जाता है बिल्कुल। वो एक्चुअल में लाइफ में उन सारी चीज़ों के लिए जो जिस लेवल पे मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होना होता है वो सब चीज़ें भूल जाते हैं बिकॉज वहाँ से उनको कुछ वो सब सीखने को भी नहीं मिलता है। रिसर्च में पता चला है 3 out of 4 टीन्स ऐसे होते हैं जो एक्सीडेंटली या फिर किसी पर्पजफुली एडल्ट कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं ऑनलाइन या फिर उनके दोस्त उनको शेयर कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि बच्चे ऐसे कंटेंट से एक्सपोज हैं फनी वे में, उनको फन लगता है बट ये सब फन नहीं है, उनकी ये मेंटल डेवलपमेंट को बहुत ही लो कर देता है। अकॉर्डिंग टू सेक्सुअल स्क्रिप्ट थ्योरी एक बच्चा जिस भी एज में पोर्नोग्राफी कंटेंट की तरफ इंक्लाइन होता है वो सारी चीज़ें उसकी आगे वाली लाइफ में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं कि आगे की ज़िंदगी में वो उन सारी चीज़ों को किस परसेप्शन से देखने वाला है। आज इंडिया में ऐसा भी नहीं है कि इसे बैन करने की कोशिश नहीं करी गई, बैन भी करने की कोशिश करी गई बट बहुत बड़े लेवल पे ये रेगुलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम में OTT प्लेटफॉर्म्स अपना IPO लाने का प्लान कर रहे हैं, अभी कुछ न्यूज़ में पता चला, और ये वही OTT प्लेटफॉर्म है जो सॉफ्ट पोर्नोग्राफी को प्रमोट करते हैं और इंस्टाग्राम के ऊपर जो मीम पेजेस होते हैं वो यही सारा कंटेंट फैला रहे होते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि 13 से 17 साल के बच्चे ऐसे हैं, 90% बच्चे ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव अकाउंट लेकर के घूम रहे हैं और उनको ये सारे मीम पेजेस पे आराम से ये सारा कंटेंट एक्सेसिबल है और वो इसी कंटेंट से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अब जब किड्स इतना ज्यादा ये सारा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उनके डोपामाइन लेवल इतने लो होते जा रहे हैं तो बहुत तेजी से उनके अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ता चला जा रहा है। इवन इंडियन पीडियाट्रिक्स की एक रिपोर्ट में पता चला कि इंडिया में 0.4% से लेकर के 2.4% तक बच्चे डिप्रेसिव डिसऑर्डर को फेस कर रहे हैं मेंटल हेल्थ को लेकर के। अब जैसा मैंने पहले बताया बच्चे बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड होना पसंद कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से भी वो खुल करके कोई चीज़ पे बात नहीं करते हैं बिकॉज इसका जो मेन इशू है रूट लेवल पे वो यही है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को खुल करके एजुकेट नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ें, पेरेंट्स की जिम्मेदारी एजुकेट करना। आप अगर एज अ पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपकी क्या जिम्मेदारी है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सी द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ नॉट बैड, ठीक है, बट आप कैसे यूज़ करते हो वो बैड हो सकता है आज के टाइम में। आपको एज अ पेरेंट अपने बच्चों के सोशल मीडिया, अपने बच्चों के जो भी कंजम्पशन हो रहे हैं ऑनलाइन, वेदर दे आर रीडिंग समथिंग ऑनलाइन, वेदर दे आर ऑन कोरा, वेदर दे आर क्रिएटिंग देयर अकाउंट ऑन रेडिट, कहीं भी
आपको उन सारी चीजों को रेगुलेट करना पड़ेगा। अगर आपके बच्चे सोशल मीडिया के ऊपर अपनी पोस्ट भी डाल रहे हैं तो आपको एज अ पेरेंट उसको रेगुलेट करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, बिकॉज सोशल मीडिया पे तो कोई रेगुलेशन नहीं है ना, कुछ भी नहीं रेगुलेट हो रहा है, तो आपको एज अ पेरेंट वहां पर रेगुलेटर बनना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए। सेकेंड थिंग इज वी नीड टू मेक दिस जनरेशन अंडरस्टैंड दैट इट इज ओके टू बी अ किड ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन भी। बच्चे अगर बहुत बड़े बन रहे हैं, ये नेता बन रहे हैं या कुछ भी बन रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अपने कम उम्र से लेकर के इतना ज्यादा अपने आप को ओवर सेक्सुअलाइज कर रही हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको बताओ ये चीज कि ना बेटा, इट्स ओके टू बी अ किड, तुम अपना बचपना मत भूलो, ठीक है, जो तुम्हारे चाइल्डहुड एक्टिविटीज थे तुम उसको मत भूलो, तुम्हें एक बच्चे की तरह बड़े होना है, ठीक है। जब तुम एक बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे तब तुम्हारा जो मन है वो तुम कर सकते हो, लेकिन जब तुम छोटे हो तो तुम्हें अपने बचपन की एक्टिविटीज को नहीं भूलना है, तुम्हें अपने डेली शेड्यूल में फिजिकल एक्टिविटीज को इंक्लूड करना है एज अ पेरेंट, या फिर बड़े भाई हो आप या फिर बड़ी बहन आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको अपने छोटे भाई छोटी बहन को ये चीज बताना है कि तुम फिजिकल एक्टिविटी को इंक्लूड करो। तुम्हें फुटबॉल खेलना है, खेलो, ग्राउंड में जाकर के खेलो। तुम वही चीज अगर अपने फोन पे खेलते रहोगे, अपने टैब पे खेलते रहोगे, तो वो चीज कहीं ना कहीं तुमको अफेक्ट कर सकती है। तुम्हें कुछ खाने का मन कर रहा है, मत मंगाओ थोड़ी देर के लिए जोमैटो स्विगी से, जाओ नीचे वॉक करके, बाहर कुछ मिलता है जाओ लेकर के आओ थोड़ी देर के लिए। तो जैसे जैसे आप ये आदत डालना शुरू करोगे अपने घर में किड्स की, बच्चों की, तो वैसे वैसे उनका चाइल्डहुड डेवलप होना शुरू होगा। अगर आप उन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन उनके हाथ में देते रहोगे मजे के नाम पे, तो वो कमजोर बनते रहेंगे, बिकॉज उनका माइंड वैसे डेवलप हो रहा है ना, उनको हर चीज इंस्टेंट में चाहिए। फिर अगर वो कभी अगर कैब उनकी लेट भी हो जा रही है तो वो कैब वाले को गाली दे देंगे, भाई तू लेट क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस खत्म हो रहा है। और आगे की लाइफ में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बच्चों को ये चीज समझाना पड़ेगा कि भाई सब चीज फिंगरप्रिंट पे नहीं हो पाती है, बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें वेट करना पड़ेगा। कभी तुम किसी हॉस्पिटल में जाओगे अपने किसी प्यारे को लेकर के और वहां पर बहुत लंबी लाइन होगी, अब तुम्हें वहां वेट करना पड़ेगा क्योंकि लाइन में जितने लोग हैं सब प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं होगा तो तुम वहां पर एकदम घबराने लगोगे, रोने लगोगे। यही होता है आजकल बच्चों के साथ में। अरे मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, मैं अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइक मतलब मैं एक बार हॉस्पिटल में था और मैंने एक बच्ची को देखा, वो बच्ची जब मेरे पापा का कीमोथेरेपी चल रहा था, वो बच्ची अराउंड कितने साल की होगी, मैंने उससे पूछा था, वो बच्ची थी 11 साल की, और 11 साल की बच्ची, उसके पापा आउट ऑफ इंडिया रहते थे और उसकी मम्मी का कीमोथेरेपी चल रहा था, वो लड़की 300 किलोमीटर दूर से हॉस्पिटल अपने मम्मी को लेकर के आई थी, बुक करा करके अपने पापा से कोऑर्डिनेट करके सब चीज, और वो 11 साल की बच्ची अपने मदर का कीमोथेरेपी करवा रही थी और वो सारे मेडिसिन ले रही थी कीमोथेरेपी के। इतने मजबूत बच्चे भी हैं आज के टाइम में, आप सोचो उसके पापा ने उस बच्ची को किस लेवल पे ट्रेन किया होगा कि बेटा तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और वो बच्ची कर भी रही अपने मम्मी के लिए। तो कहने का मतलब है कि यही 11 साल की बच्ची को ट्रेन कर दो तुम गलत वे में तो वो उस टाइप से हो जाएगी, यही 11 साल की बच्ची को ट्रेन कर दो तुम उस वे में कि वो अपने फैमिली के लिए इतना सोचे, अपने फैमिली के लिए इतनी खड़ी हो जाए, तो वो इतनी मजबूत है कि वो अकेले कीमोथेरेपी भी करा सकती है। एज ए पेरेंट आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि बच्चों के हाथ में खाली फोन पकड़ा करके अपने काम से काम हो जाना ये कोई सही चीज नहीं है, आपको अपने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना शुरू करना पड़ेगा, कुछ कुछ फिजिकल एक्टिविटीज में आपको भी थोड़ा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ताकि बच्चे ये चीज को समझ सके कि हाँ मम्मी पापा भी हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। जब बच्चे कॉन्टिन्यूसली देखेंगे मम्मी पापा कॉन्टिन्यूसली सोशल मीडिया के ऊपर लगे हुए हैं, कॉन्टिन्यूसली स्क्रीन पे, तो बच्चे अपना वाला स्क्रीन उठा लेंगे, वो भी स्क्रीन में घुस जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आपको एज अ पेरेंट उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, आपको खुद की लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी ऐड करके दिखाना है, तब बच्चे उससे इन्फ्लुएंस होंगे, तब बच्चे वही चीजें अपनी लाइफ में रेप्लिकेट करेंगे। अभी रिसेंट में मैंने एक वीडियो देखा, वो एक लेडी थी और वो इतना ज्यादा फोन में इन्वॉल्व और इतना सारा चीज कर रही है कि उसने अपने बच्चे को उठा करके फ्रिज में रख दिया सब्जी समझ करके, क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं है, उसका ध्यान सोशल मीडिया पे, उसका ध्यान ऑनलाइन है, उसका ध्यान फोन के अंदर है। तो कहने का मतलब है इतने इर्रिस्पॉन्सिबल पेरेंट कभी जिंदगी में मत बनना, रिस्पॉन्सिबल पेरेंट बनो, ठीक है। ऐसे ऐसे वीडियोस जब आते हैं तो देख करके दिल दहल जाता है कि भाई ऐसे भी हो सकता है, कोई माँ ऐसा कर सकती है, लेकिन अब गलती उसकी भी नहीं है, ह्यूमन ब्रेन है, और ह्यूमन ब्रेन जिस टाइप से डिजाइन हुआ है वो सोशल मीडिया कंपनीज बहुत अच्छे से जानती हैं हुक करने के लिए, और वो इतना हुक भी कर सकती हैं कि आप एक टाइम पे भूल जाओगे कि आपका बच्चा है, आप गलती से उठा करके सामान समझ करके फ्रिज में डाल दोगे, ये भी होता है। तो कहने का मतलब है कि कभी जिंदगी में इतने इर्रिस्पॉन्सिबल मत बनो, रिस्पॉन्सिबल पेरेंट बनो। भाई बहन अगर हो तो भाई बहन भी रिस्पॉन्सिबल भाई बहन बनो, अपने बच्चों को वो दिखाओ
जैसा तुम बनना चाहते हो कि वो वैसा बने, वैसे तुमको बनना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हें ही देख रहे हैं। वो तुमको देखेंगे जब तुम ही 24 घंटा फोन में घुसे रहोगे, तो वो क्या है भाई, वो तो वही चीज से इंस्पायर होंगे, वो खुद भी घुस जाएंगे फोन में जाकर के। बच्चे सबसे ज्यादा विजुअल ऑब्जर्वर होते हैं। बच्चे जो देखते हैं वही चीज को रेप्लीकेट करना शुरू कर देते हैं। घर में आओगे, ऑफिस का अगर तुम्हारे सर पे टेंशन है, अब अपने वाइफ से लड़ाई करना शुरू कर दोगे, चार गाली बक दोगे, वो तुम्हें कुछ बोल देंगी, या फिर तुम घर में एज ए बड़े भाई बहन की तरह एक दूसरे को गाली बक रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वो सारी चीजें बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, और बच्चे भी वही चीज करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए अगर आप देखो, कोई पेरेंट अगर गाली बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली बकते हैं तो उनके बच्चे ऑटोमेटिकली गाली बकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सीख जाते हैं। अब इसी का उल्टा करना शुरू कर दो। आप अपने बच्चों के सामने सिर्फ मोहब्बत से बात करो। आपका लाख टेंशन चल रहा है, आप उसको प्राइवेटली अपने पार्टनर के साथ में अगर डिस्कस कर रहे हो, देन इट इज ओके। बट आप बच्चों के सामने सिर्फ मोहब्बत से मिल रहे हो, बच्चों का बचपन से माइंड लव के लिए डेवलप हो जाएगा। उनको समझ में आ जाएगा कि लव, इंटीमेसी, ये सब चीज़ क्या है, और मेरे पेरेंट्स इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो भी लविंग चाइल्ड की तरह डेवलप होगा आगे चल करके। लेकिन अगर घर में हर वक्त अशांति फैलाए रहोगे, बच्चा भी वैसा ही डेवलप होगा। और होता क्या है, जब आप इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत अपने घर में दिखाते हो, तो बच्चे को भी ऐसा लगता है कि यार मेरे पेरेंट बहुत ही कूल है, बहुत ही ओके है। अच्छा, आज मेरे दिमाग में आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्वेश्चन आया ना कि यार ये सेक्स क्या होता है, पूछ लेगा आपसे मोहब्बत से, क्योंकि वो डरेगा ही नहीं। अगर आप घर में इतना झगड़ेलू बने रहोगे, घर में इतना ज्यादा मारपीट या कुछ भी करोगे, तो वो डर जाएगा, यार अगर पूछेंगे तो हम ही ना मारते, तब जाकर के अपने स्कूल फ्रेंड से पूछ लेता है, स्कूल फ्रेंड उठा करके उसको वो वीडियो दिखा देता है, और उसका माइंड वहीं से डेवलप होना बंद हो जाता है, ये सब होना शुरू हो जाता है। ये बिल्कुल कॉमन इश्यूज है बच्चों के अंदर। बच्चे प्यार की भाषा समझते हैं, जितना प्यार मोहब्बत से रहोगे, सब बच्चे आप ही से पूछेंगे। बच्चे को कोई लड़की पसंद आ जाएगी, लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाएगा, तो वो किसी दूसरे को नहीं जाएगा बताने, अपने दोस्त को नहीं बताएगा, आपको आगे बताएगा, अपनी मम्मी को बताएगा, मम्मी मेरे को ये पसंद, पापा मेरे को ये पसंद, क्योंकि वो इतना फ्री हो चुका होगा, इतना ओपन हो चुका होगा आपसे। बट आप इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट की तरह उसको डेवलप करते हो कि बच्चे गलत लाइन में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? आपकी वजह से चले जाते हैं। तो ये सॉल्यूशन के तौर पे एज अ पेरेंट आपको बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपने बच्चे को एक ह्यूमन बीइंग के लेवल पे डेवलप कर सकते हो। ह्यूमन बीइंग मतलब एक इंसान बनाओ उसको। वो बच्चा कितना ज़्यादा क्या है, वो सारी चीज़ें आपका ही दिखता है। कोई भी बच्चा कैसा है, उसके अंदर उसके पेरेंट्स ही दिखते हैं। जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। अगर आज मैं आपसे बात करूं तो मेरे पेरेंट्स ऑब्वियसली मेरे को कुछ समझाए होंगे, तभी मैं ऐसे बोल रहा हूं। तो सब कुछ पेरेंट्स का ही दिया होता है। बस यही मेरा कहने का मतलब है, ठीक है, यही सॉल्यूशन है बच्चों को ठीक करने का। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, क्या सीखा आपने इस वीडियो से मुझे कॉमेंट्स में बताइए। एंड मैं हर वीडियो के लिए नहीं बोलता हूं कि इस वीडियो को शेयर करो, बट इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि लोगों की अवेयरनेस इंक्रीज हो, लोग अवेयर हो कि बच्चों को एक्चुअली में कैसे डेवलप कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आप बताओ आप और किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हो, कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस लेकर के आऊँगा। और अगर आप पेरेंटिंग के ऊपर और भी चीज़ें समझना चाहते हो, मुझे कॉमेंट्स में बताओ, मैं फ्यूचर में और भी चीज़ें इसके ऊपर प्लान करूँगा, इस टॉपिक के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज यही टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हमारे नेशन को शेप करने वाला है आने वाले टाइम। ऑल्सो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिएगा, ठीक है। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ जो कि एक्चुअली में सोसाइटी के लिए इम्पैक्टफुल होती हैं, जो कि एक्चुअली में एक चेंज लेकर के आए। मेरा यही गोल है, मेरा यही एम है। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर के मुझे DM कर सकते हो, @mahinerji मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। एंड कुछ भी हो आप मुझे मेल भी कर सकते हो, मैं सारे मेल चेक करता हूँ। एंड बस थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया, थैंक यू।